छतरपुर में दो पक्षों के विवाद होने पर गोली चलने का मामला सामने आया है, जहां गोली चलने से दोनों पक्षों के दो लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छतरपुर के कोतवाली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे दोनों पक्षों के दो लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। कहां रहते थे? ये बिलवार में रहते थे, हमने बुलाया था, यहां दुर्गा कॉलोनी का प्लॉट है उसको बनवाने के लिए, तो कुछ लोगों ने वहां पर तार वार डाल दी थी, तार निकाल के हमें फेंक दी थी। वो उस टाइम पे जब आए तो उन्होंने तार को रोकने के लिए मना किया, कह रहे थे पहले हेमंत राजपूत को फ़ोन करना है। हमने हेमंत राजपूत से बात करी, ठीक है, कह रहे तुम अवैध कब जाए, हमारी रजिस्ट्री 2006 की है, दाखिल किया 2011 का है, नगर पालिका में चढ़ा हुआ है वार्ड नंबर 38 में। इसमें गोली चली है और इससे गोली लगी है, फायरिंग पार्टी ने अपना हासिल किया है, इसमें पूछताछ की जा रही है, इसमें जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।